बच्चों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये स्कूल बंद हो रहा है। इस जमीन के मालिक ने स्कूल बंद करके यहाँ होटल बनवाने का फैसला किया है और एक बड़े बिल्डर को उसकी परमिशन भी दे दी है। तुम सब किसी और स्कूल में अपना एडमिशन करवा लो। सर, ये कैसे हो सकता है? आपकी परमिशन के बिना इस स्कूल की बिल्डिंग में होटल कैसे बन सकता है? आपने वो पेपर साइन क्यों किए? मैं स्कूल का मालिक नहीं हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सर, प्लीज ऐसा मत करिए। इतने सारे बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में हो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फाइनल डिसीजन है स्कूल की जमीन के मालिक का, समझे? सर, एक मिनट सुनिए तो। सर, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सर, प्रिंसिपल सर तो एकदम बदल गए हैं। वो मुझे पहचाने तक नहीं। वी, हम चुप नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिंदू, अगर हम उस बिल्डर को डरा के भगा दे तो ये स्कूल नहीं टूटेगा। ओके, चलो हम भूत बनके उसे डराते हैं। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। कौन हो तुम और क्या चाहिए? मैं उस स्कूल में रहता हूँ जिसे आप तुड़वा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तोड़ के होटल मत बनाइए। तुम उसमें रहते हो? ये कैसे हो सकता है? उसमें तो हॉस्टल नहीं है। मैं तो उसमें 100 साल से रह रहा हूँ। मैं उस स्कूल का भूत हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तुम भूत हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। क्या पियोगे, ठंडा गरम? मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वाह वाह, क्या जादू है, कैसे किया? अब मुझे भी सिखाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। सिखाओ। मैं भूत हूँ, मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता। मान जाओ मेरी बात, स्कूल मत तोड़ना वरना। प्लीज प्लीज, मुझे भी ऐसा जादू सिखाओ ना, प्लीज। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तुम मुझे बच्चा समझ के मुझसे नहीं डर रहे हो ना? मेरे और दोस्त आएंगे और तुम्हारी अच्छी खबर लेंगे। चिंटू, चिंटू, क्या क्या इशारा कर रहे हो? दीवार के पास जाना है। लेकिन क्यों? दरवाजा तो है ना। मैड मैक्स। टिम्बकटू, ये श्रिंकिंग गन है। तुम इसका ग्रीन बटन दबा के वीर के ऊपर चलाओगे तो वीर एकदम छोटा हो जाएगा और फिर तुम उसे छोटे से डिब्बे में बंद करके मेरे पास ले आना। म्याऊ। बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। म्याऊ। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, ये ग्रीन बटन दबाने से तो वीर छोटा हो जाएगा, लेकिन इस रेड बटन को दबाने से क्या होगा बॉस? टिम्बकटू, हमें बड़ा करो। टिम्बकटू। बॉस, बॉस कहाँ चले गए मुझे इस तरह अकेला छोड़ के? बॉस, रेड बटन क्या है ये तो बता दो बॉस। टिम्बकटू, नीचे देखो, नीचे। इतनी छोटी बिल्ली, आज इसे खा के उन सब चूहों का बदला लूंगा जिन्हें बिल्लियाँ खा गई हैं। या कहाँ हो आप? दिख ही नहीं रहे बॉस। मैट,
वेरी मैड। बॉस बॉस, आप इतने छोटे क्यों हो गए हो और मेरे कंधे पे क्यों चढ़ गए हो बॉस? टिम्बकटू, गन को मेरी तरफ घुमाओ और रेड बटन दबाओ जल्दी। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए ही भेजा है। जाओ और वीर को छोटा करके पकड़ के ले आओ। ओके बॉस, ओके। टिम्बकटू, ये देखो मेरा नया आविष्कार। ये छोटा सा पौधा इस रिमोट के बटन को दबाने से बड़ा हो जाएगा और फिर ये चलता फिरता तबाही का रोबोट ट्री होगा। इसके ट्री वाइंस हथियार हैं, इसके फ्रूट्स हथियार हैं। वो ऐसे गैस फैलाएंगे कि शहर के लोग खांसते खांसते सो जाएंगे और फिर वीर को इससे लड़ने आना होगा और ये वीर को पकड़ के मेरे पास ले आएगा। You are genius, boss. Super duper genius. Meow. जब ये ट्री बड़ा हो जाएगा तो इसमें एक ट्री हाउस भी दिखेगा। तुम उस ट्री हाउस में चले जाना और वहां से इस रोबोट ट्री को कंट्रोल करना। ये लो रिमोट। Okay, robot tree. Let's start Operation Weed. इनको बताना होगा टिम्बकटू एक रोबोट ट्री लाया है। वीर, जल्दी चलो। टिम्बकटू एक रोबोट ट्री लाया है और वो तबाही मचा रहा है। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। वैक्यूम क्लीनर ऑन। ये देखो जुगनू, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। कितना अच्छा लग रहा है ना? चलो और जुगनू पकड़ते हैं। वीर, क्या तुम ऐसा जुगनू पकड़ सकते हो? शायद नहीं। जुगनू पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इसके लिए ना बहुत तेज स्पीड और चुस्ती की जरूरत होती है। ओ, ये इसे जुगनू कहते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। मैंने कभी जुगनू नहीं देखा। कैसे पकड़ा तुमने? देखते हैं ये उड़ता कैसे है। वाओ, कितना सुंदर लगेगा ना उड़ते हुए। जुगनू भाई, तुम उड़ जाओ। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? मेरे जुगनू को उड़ा दिया। तो क्या हुआ, तुम तो अपनी स्पीड और चुस्ती से उसे फिर पकड़ लोगे। जाओ जाओ, जल्दी पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। मैं
मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा जुगनू उड़ा दिया। केकी पैकी, वीर की अच्छी धुलाई करो। धुलाई और गधे का पुराना रिश्ता है। Allow me to do it. बंटी, फिर कभी किसी जुगनू को पकड़ के बोतल में नहीं रखना। तुम्हें कोई बोतल में कैद कर दे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि केकी पैकी, हम अंदर खूब गेम्स खेलेंगे। चलो चलो, जल्दी से मुझे किसी बोतल में बंद कर दो। रो क्यों रहे हो? ओफो जिंटू, उन्हें ठीक करो जल्दी। कितनी बार कहा है ऐसा जादू मत किया करो। दादाजी, बंटी ने एक जुगनू को पकड़ के बोतल में बंद करके रखा था। वीर ने उसे आजाद कर दिया। वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। किसी भी जीव को बंद करके रखना बुरी बात है। दादाजी, आजकल यहाँ जुगनू दिखाई क्यों नहीं देते? जुगनू जंगल में होते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं, पोल्यूशन बहुत है, धुआं, कार, बस, ट्रक की आवाज, ये सब जुगनू को अच्छा नहीं लगता। एक जमाना था कि यहाँ भी बहुत जुगनू होते थे। हाय वीर, मेरा नाम टिम टिम है। मैं ही वो जुगनू हूँ जिसे तुमने बॉटल से आजाद किया था। ओह, हेलो टिम टिम। वीर, मैंने अपने राजा को तुम्हारे बारे में बताया है। उन्होंने तुमसे मदद मांगी है। मदद? कैसी मदद? हम जहाँ रहते हैं वहाँ काल मकड़ी नाम की एक बड़ी काली मकड़ी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वीर, ये लो चिड़ियों के लिए और दाना। बच्चों, पता है आज नेशनल बर्ड्स डे है। हाँ दादाजी, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि चिड़ियों को बचाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। वेरी गुड वीर। काश तुम लोग डोंकीज डे भी मनाते और मुझे खूब सारी गाजर खिलाते। वो देखो कितनी सारी चिड़िया। चलो उन पर निशाना लगाते हैं। हे वीर इमली, तुम लोग साइड में हट जाओ वरना हमारी गुलेल का पत्थर तुम लोग को लग जाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत करना। चिड़ियों को मारना गलत बात है। अगर तुम्हें कोई ऐसे गुलेल से पत्थर मारेगा तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलो, अब साइड में हट जाओ। वीर, साइड हो जाओ। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी चिड़िया को नहीं मारेगा। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चिड़ियों का गार्डियन बाज हूँ। उनकी हिफाजत करना मेरा काम है। आज के बाद जो भी चिड़िया मिले उसे पेट भर के खाना खिलाना। वो मना करे तो भी खिलाना, वरना मैं आ जाऊंगा और तुम्हें खाऊंगा। खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा, हर चिड़िया को खिलाऊंगा। तू कितनी बार कहा है इस तरह का जादू मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। तुम्हें तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मैं घर जा रहा हूँ, अब कल ही मिलूंगा। टिम्बक्टू, ये देखो ये क्या है। ये फ्लेमिंगो नहीं, इसका नाम मैंने मैडमिंगो रखा है। ये एक परफेक्ट बर्ड रोबोट है। ये लेजर बीम फायर कर सकती है, कुंग फू कराटे कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। ओ, ये कुंग फू कराटे भी कर सकती है? हाँ कर सकती है, कोई शक है? ओके मैडमिंगो, तुम बॉस को कुंग फू कराटे करके दिखाओ। बॉस बचाओ, मैडमिंगो, अरे ये सब बॉस को दिखाना था मुझे नहीं। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। She is right, boss. She is right. Timbuktu, jao. Madman.
क्या कर रहे हो टिम्बकटू? सॉरी बॉस, सॉरी। बॉस, ये कभी कोई काम ठीक से नहीं करता। He is useless, boss. He is useless. She is right, boss. लेकिन मैं आपका वफादार हूँ, लॉयल हूँ बॉस। इसमें कोई शक नहीं, ये मेरा लॉयल बंदा है। टिम्बकटू, ये देखो, ये है मेरा नया हथियार जो वीर को खत्म कर देगा। इसका नाम मिस्टर क्रुक है। बॉस, क्यों मजाक कर रहे हो? ये क्या वीर को खत्म करेगा? हाउ डेयर यू। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये बहुत काम का हथियार है बॉस। टिम्बकटू, फिर कभी मिस्टर क्रुक को यूजलेस नहीं कहना। मिस्टर क्रुक, टिम्बकटू के साथ जाओ और वीर को खत्म कर दो। ओके सर। तुम्हारी ये कार बहुत काम की है। हाँ इमली, मैंने बनाए भी इसलिए है। इमली, इस कार को तो तुम अकेले ही गांव लेकर जा सकती हो। नहीं चुलबुल, ये कार बच्चों के लिए नहीं है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं इसे चला सकता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसी कार रेलवे ट्रैक पे ले जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रेन अचानक से कभी भी आ सकती है। ट्रेन तो कहीं भी अचानक से आ सकती है, फिर तुम कैसे बचोगे? अचानक ट्रेन आने पे मैं इस कार को उड़ा भी सकता हूँ। वो कौन है? वो जो आ रहा है वो वीर है, उसके साथ उसके दोस्त हैं। खत्म कर दो सबको। With pleasure। वो देखो, टिम्बकटू भी वहाँ खड़ा है। जरूर वो किसी को लेकर आया है। ओके दोस्तों, रेडी फॉर टेक ऑफ। मैं अब उड़ने जा रहा हूँ, जो और दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। Bye bye, Bee!